एक्चुअली एडवेंचर को हाईवे में चलाने का मजा नहीं है, ऑफ रोड चलाने का ही मजा है, पर अभी ऑफ रोड हमको ढूंढना पड़ेगा भाई, ऑफ रोड करके स्पेशली ऑफ रोड करके जाना पड़ेगा। गाइस सिंसियरली लग गया है काइफ भाई, ये अपने केटीएम के बहुत पुराने टेक्नीशियन है। गाइस देखो क्या हुआ पता है, वहां पर मोइन भाई को एक्सेस नहीं था तो मेरे को अकेले को एक्सेस था, मैं देसी जुगाड़ करते ला दिया इसको। मोइन भाई देसी जुगाड़ देखो एक्सेस नहीं दे रहे थे, कमी ने लोगा हो गया अपना पूरे पैसे दी कुछ तो इस्तेमाल एक्चुअली सिंगलों के बच्चे थे हम लोग, ऐसे बनाते हम लोग इधर इंडिया इज नॉट फॉर बिजनेस। बोलते क्या बोलती कंपनी, कमाए ले बहुत मनी, इनको लगता शाने लग रहे अगले लग रहे बहुत मनी, आप चलिए मत कर आई बाप को कट्टर 37 70 17 तक पहचान है, क्या बोलते कंपनी। तो गाइस ये रहा मेरी एडवेंचर और इसको मैं टायर पूरा बांध चुका हूँ परफेक्टली, सो अभी ये हिलेगा नहीं, दो मेरे को 120 किलोमीटर जाना है तो पूरा पैक रेडी है, तो टायर पिटाना है तो इसके लिए टायर पूरा बांध चुका हूँ और मैं भी फुल रेडी हूँ, तो यहाँ से निकलने वाला हूँ अभी। तकरीबन 3 घंटा लगेगा मेरे को पहुँचने के लिए, 3 घंटा नहीं है ऐसा है, तो हाँ 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो पहुँचते पहुँचते बताता हूँ आपको। सो, मैं आज का ब्लॉग करने का मकसद ये था कि मैं बहुत दिन से मोटो ब्लॉगिंग किया नहीं हूँ और ब्लॉगिंग भी नहीं किया हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत सारा काम होता है। तो आज कैसे भी मैं बेलगाम जा रहा हूँ तो मेरे दो सर्विस है, सर्विस के बाद मेरा टायर चेंज करने का है, वो सब करने के वास्ते बेलगाम जा रहा हूँ, तो लोकल लैंग्वेज में बात करना है तो लोगों को समझ बहुत कम आएगी, हमारी दांडेली लोकल लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त भी है मगर थोड़ा कम समझ आएगी मेरे ज़ुबान से, तो क्योंकि मैं बहुत फास्ट बात करता हूँ। और ये रहे कुत्ते, तो पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल तो नहीं है गाड़ी में, धांडेली में मैं पेट्रोल भरवाना था भाई, टैंक फुल कर दे। और क्रॉस करके पहुंचने वाला हूँ कित्तूर, कित्तूर से मैं जाऊंगा हाईवे पकड़ के सीधा बेलगाम। तो गाइस ये जो बाइक को जो राइडिंग की जर्नी होती है ना गाइस, एक नंबर होती है, और बारिश में बाइक चलाना और भी मजा, और ऐसे रोडों में गाड़ी चलाना और भी मज़ा, और ग्रुप के साथ जाना और यार वो तो डबल मज़ा। तो हम भी ग्रुप राइड मारने वाले हैं मगर मेरे को क्या है थोड़ा, मेरा थोड़ा अलग है, मेरे को थोड़ा सोलो राइड जाना बहुत पसंद है, ग्रुप में भी मज़ा आता है मगर एक अलग ही फीलिंग होती है सोलो राइड, क्या है कहाँ भी चलो कहाँ भी जाओ कहाँ भी रुको कितना भी क्या भी करो टाइम नहीं देता है कुछ भी। बारिश, ये बारिश का मौसम। और गाइस पहुंच गया हूं मैं कित्तूर का हाईवे, तो यहां से हाईवे लेके सीधा निकलेंगे हम, अभी बहुत ही कम समय में हम बेलगाम पहुंच जाएंगे, बस आधे घंटे में बेलगाम पहुंच जाएंगे हम, यहां से 50 किलोमीटर बेलगाम है तो 50 किलोमीटर बेलगाम में पहुंच जाएंगे हम। ये है कित्तूर का लाल किला। ये क्या है? ये जो है कित्तूर का लाल किला है, नहीं भाई कित्तूर का विधानसभा शायद म्युनिसिपलिटी। तो अब हम बहुत ही करीब है बेलगाम से, 20 किलोमीटर बस भागेवाड़ी में हम लोग रुके हैं, रुके नहीं है जा रहे हैं। ठंडी ठंडी ये हवा है मुझको छूके जब चली जाए ठंडी लगे, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। भाई क्या नजारा है, एक्चुअली एडवेंचर को हाईवे में चलाने का मजा नहीं है, ऑफ रोड चलाने का ही मजा है, पर अभी ऑफ रोड हमको ढूंढना पड़ेगा भाई, ऑफ रोड करके स्पेशली ऑफ रोड करके जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे शहर के और हमारे कर्नाटक में इतने अच्छे अच्छे रोड बन चुके हैं अभी कि ऑफ रोड करने के लिए हमको खुद से ढूंढना पड़ेगा। पहुंच चुके हैं अभी हम हाईवे से उतर के रामदेव के पास जाएंगे, कैब भाई से मिलेंगे, कैब भाई को गाड़ी दे देंगे, वो रिपेयर वो एक्चुअली टायर चेंज कर देंगे, उसके बाद एक रूम ले लेंगे, उसके बाद सोएंगे खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे। क्या बोलते कैब भाई का है? सब
गाइस इनसे मिलो, ये है काइफ भाई, ये अपने KTM के बहुत पुराने टेक्नीशियन है। The next day. Hello guys, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सीधा चाइन्स पॉकेट बिठाने के लिए चले जाएंगे। तो मैंने अभी कैफ भाई को फोन किया था, तो कैफ भाई ने बोले 10 बजे के बाद आ जाओ बिठा देंगे, तो उसके लिए 10 बजे तक कुछ टाइम पास करना है, जाके नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्विमिंग पूल यूज करेंगे, बस पॉकेट के लिए चले जाएंगे। गाइस देखो क्या हुआ पता है, वहां पर मोइन भाई को एक्सेस नहीं था, तो मेरे को अकेले को एक्सेस था, मैं देसी जुगाड़ करते ला दिया इसको। मोइन भाई देसी जुगाड़ देखो एक्सेस नहीं दे रहे थे, कभी नहीं लोगा हो गया अपना पूरे पैसे दी कुछ तो इस्तेमाल नहीं किया, एक्चुअली सिंगल ऑक्यूपेंसी थे हम लोग, पर डबल ऑक्यूपेंसी बता रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ऐसे बताते हम लोग इंडिया इज नॉट फॉर बिजनेस। और तो क्या बोलती कंपनी, कमाए ले बहुत मनी, इनको लगता शाने लग रहे, अगले लग रहे बहुत मनी, आप चलिए मत कर आई बाप को कट्टर 37 70 17 तक पहचान है, क्या बोलते कंपनी। गाइस अभी हम लास्ट फाइनली मैरियट से निकल रहे हैं, गाड़ी का पूरा काम हो गया है, सर्विस हो गई है, टायर चेंज हो गए हैं, पूरा काम हो गया है, तो अभी मैं निकलने वाला हूँ। सो बाय बाय। हाँ तांडेली सर, तांडेली तांडेली इसकी पंचायत की हद तो देखो। मैं तांडेली कच मैं गया था नेपाल। क्या बोला तूने? मैं गया था नेपाल। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ दांडेली, तो ये हमारे मोइन भाई मेरे को ड्रॉप करने आ रहे वहां तक, और ये हमारे शाकिर भाई। तो कैसा मजा आ रहा मोइन भाई, मजा आया कि नहीं? एक नंबर। तो भाई वापस आते वक्त विधान सौरव क्या हो, विधान सौ क्या हो, सुवर्ण विधान सौदा बेड़गावी भाई, क्या खूबसूरत लगता है यार, वाकई में खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है।